बागेश्वर बाबा दरबार में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। बिहार में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है, बाबा फुल फॉर्म में है। बाबा बागेश्वर धाम उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसे नौजवान जिसने आज पूरे हिंदू समाज में हलचल मचा रखी है। उन्हें सुनने वालों की तादाद आज करोड़ों में पहुंच चुकी है। वो जहां जाते हैं वहां लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो पटना आए तो वहां 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस सड़क पर जाम देखिए आप, 10 किलोमीटर लंबा ये पूरा जाम है। पटना से शुरू होकर ये आगे नौबतपुर का रास्ता है जहां पर बाबा की हनुमंत कथा जो है वो चल रही है। 4 लाख से ज्यादा लोग उनके पंडाल में पहुंच गए। बिहार ही नहीं, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और यहां तक कि नेपाल तक से लोग उनकी एक झलक पाने के लिए पटना के नौबतपुर पहुंच गए। हालत ये हुई कि उन्हें खुद अपील करनी पड़ी कि भैया कृपया टीवी पर ही प्रवचन सुने। इसे आप यूं समझें कि एक कॉमेडियन 2 महीने पहले अपने शो के बारे में लोगों को बताता है तो भी 500 लोगों का ऑडिटोरियम नहीं भर पाता। इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में जहां इतने बड़े बड़े स्टार प्लेयर्स होते हैं वहां 20-25 हज़ार से ज्यादा लोग नहीं आ पाते। एक पॉलिटिशियन जिसके पास धन बल बाहुबल सब होता है उसे भी अपनी रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोगों को पैसे बांटने पड़ते हैं। और यहां 26 साल के एक कथावाचक को सुनने 4-5 लाख लोग आ रहे हैं। वो लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा है कि भगवान के लिए अब और लोग ना आए, हम और लोगों को एडजस्ट नहीं कर सकते। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि लोगों की नज़र में उस नौजवान का क्या स्थान होगा, उसकी दीवानगी क्या होगी, उसे लेकर क्या जुनून होगा। इस सब के बावजूद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री फ्रॉड हैं, धोखेबाज हैं और लोगों को बुद्धू बनाते हैं। तो आज के पंतंत्र के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री कोई दिव्य गुरु हैं, पहुंचे हुए संत हैं या एक फ्रॉड जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी इसे जरूर शेयर करिएगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक, पंतंत्र में आपका स्वागत है। कुछ रोज पहले मेरे सामने बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक वीडियो आया। ये वीडियो उनके इंग्लैंड दौरे का था जिसमें भीड़ में से एक महिला उनके पास आती है। महिला चेहरे से काफी उदास दिख रही है। वो बताती है कि वो अपने 8 साल के बच्चे को लेकर काफी परेशान है। बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है, ठीक से बोल नहीं पाता। अभी महिला बच्चे के बारे में इतना ही बता पाती है कि धीरेन्द्र शास्त्री पहले से ही पर्चे पर लिखे वो सारे सवाल दिखा देते हैं जो वो महिला पूछने वाली थी। क्या नाम है बालक का? अगमवीर। पढ़ो। बालक बहुत चंचल है, जन्मजात दिक्कत है, हैरान करता, बात नहीं मानता है, बराबर। वो ये भी बताते हैं कि महिला के पति का कारोबार ठप हो चुका है। वो कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं मगर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें और किस तरह उन्हें बिजनेस में किसी ने धोखा दिया था। ये सब सुनकर महिला रोने लगती है। उसे लगता है कि उसने साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लिए। बिजनेस बंद हो चुका है जिसकी अर्जी लेकर के आप आई हैं, बालक कंट्रोल हो जाएगा। बात यहाँ भी रुक जाती तो शायद मैं उतना हैरान न होता क्योंकि दुनिया में बहुत सारे मेंटलिस्ट हैं जो सामने वाले का चेहरा उनकी आंखें देखकर बता देते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। मगर इसके बाद जब धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बताया कि आपके पति भी साथ आए हुए हैं मगर इस वक्त वो हॉल के बाहर आपके बच्चे को संभाल रहे हैं तो ये सुनकर मेरे भी होश उड़ गए। आए भी हैं जी, बाहर खड़े हैं बच्चा लिए। जी, एक छोटा बच्चा लिए खड़े हैं, देख लिया। जी जी। उसके बाद उन्होंने चंद सेकंड ध्यान लगाया और ये बताया कि आपके घर पर एक गुरु की तस्वीर लगी है मगर वो चटक गई है, उसे आप हटा दें। ये सुनकर वो महिला और उसकी माँ श्रद्धा में रोने लगी। आपके यहाँ कोई गुरु का चित्र रखा है? जी 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 रखा है। वो चटक गया है? चटक गया है जी। उसको अलग कर देना। अच्छा जी जी, पर पड़ा है। जी जी। अच्छा, हम सब जानते हैं कि ऐसे कई बाबा हैं इस देश में जो इस तरह के स्टेज चीजें करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं, खुद में जादुई शक्तियां होने का दावा करते हैं। मगर जब मैंने धीरेन्द्र शास्त्री का ये वीडियो देखा, उसमें उस महिला के आंसू देखे, उस महिला की मां का रोना देखा तो कहीं से ये नहीं लगा कि ये सब स्टेज है। इसी तरह के एक और वीडियो में जो ऐसी घटनाओं को नाटक बताते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले से कागज पर लिखकर कुछ सवाल रखे और वहां बैठी एक पत्रकार को कहा कि वो पूरे पंडाल में जिसे चाहे बुला ले, यहां मैंने जो सवाल लिखे हैं वो उसी के होंगे। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। आप समझ रहे हैं, पहले से सवाल लिखे गए हैं और फिर उस आदमी को ढूंढ कर लाने के लिए कहा गया है जिसके वो सवाल हैं। इसके बाद जिस शख्स को सामने लाया गया उसने ये कहा कि हाँ, यही सब सवाल मेरे मन में थे। आपके मन में 2 प्रश्न हैं, बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। पर्चा बोलिए। अच्छा, ऐसे एक नहीं दसियों वीडियोस यूट्यूब पर भरे पड़े हैं जिसमें आप बागेश्वर बाबा के चमत्कार देख सकते हैं। अब ये चमत्कार हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी की दिव्य शक्तियां हैं या कोई सुपर पावर है, मेरे लिए उस पर कमेंट करना पॉसिबल नहीं है। मगर इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि उनके इसी रूप की वजह से, कथा वाचन के उनके अंदाज की वजह से, उनके विचारों की वजह से उनकी लोकप्रियता आज इस लेवल पर पहुंची है।
इस लेवल पर जहां शायद कोई नहीं पहुंचा। मगर जी हाँ, जैसे कि हर कहानी में एक मगर होता है, यहां भी कई मगर हैं। मगर इस सब के बावजूद धीरेन्द्र शास्त्री जी कई लोगों को फूटी आंख नहीं सुहा रहे, वो उन्हें फ्रॉड, पाखंडी और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। और अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि धीरेन्द्र शास्त्री के आलोचकों की असल परेशानी आखिर है क्या। अभी वो पटना आने वाले थे तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो हिंदू मुस्लिम करेंगे तो मैं उन्हें एयरपोर्ट से ही भगा दूंगा। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। आरजेडी के स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डाल देना चाहिए। इससे पहले यही लोग उन्हें देशद्रोही और ढोंगी तक बता चुके हैं। इनका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है, ये तो बस ट्रिक है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक है। वो 12 साल की उम्र से कथावाचन कर रहे हैं। चूंकि वो बुंदेलखंड से हैं तो वो बुंदेल और बुंदेली मिक्स हिंदी में अपने प्रवचन करते हैं। बहुत भारी भरकम भाषा की बजाय बहुत आसान जबान में बात करते हैं जिसे आम आदमी भी समझ पाए। अब कोई कथावाचक आसान जबान में, लोगों की जबान में थोड़ी मस्ती के साथ अगर उन्हें अपने धर्म के बारे में शिक्षित कर रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब हर आदमी तो प्रकांड पंडित होता नहीं ना, बहुत से लोग तो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते। ये वो लोग हैं जो अपने धर्म के बारे में जानने के लिए, लाइफ को लेकर समझ पैदा करने के लिए कोई बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं पढ़ सकते। इन्हें आप ये नहीं बोल सकते ना भैया जाओ और जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स पढ़ लो या मार्क मैनसन की किताबें पढ़ लो। अब ऐसे लाखों करोड़ों लोग अगर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचकों के कार्यक्रम के जरिए अगर अपने धर्म को जान रहे हैं, उनकी बातें सुनकर जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर हो रहे हैं तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हमारे हिसाब से बात बदल दी जाए, रोक दिया जाए। इन लाखों करोड़ों लोगों में से कई ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह के भागवत कार्यक्रमों में आकर मुफ्त का लंगर भी खाते हैं, वहाँ कुछ घंटे ठहर पाते हैं। ये वो लोग हैं जो जीवन में बदलाव के लिए, कुछ नयापन लाने के लिए हजारों रुपए खर्च करके कहीं घूमने नहीं जा सकते। अब ऐसे लोग अगर धीरेन्द्र शास्त्री या उन जैसे किसी कथावाचक के कार्यक्रम में जाकर पॉजिटिव महसूस करते हैं, मुफ्त भोजन करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो इसमें बुराई क्या है भाई? अच्छा, कई लोग कहते हैं कि पर्ची में पहले सवाल लिखने का मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई दिव्य शक्ति है। मैं कहता हूं चलो नहीं है, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है? मतलब बात तो ये है ना कि जो आदमी उनसे सवाल पूछने आया है उसको कोई सलूशन वो बता रहे हैं या नहीं? अगर सवाल पूछने वाला धीरेन्द्र शास्त्री के जवाब से संतुष्ट है और उनकी बात मानकर अगर उसका लाइफ चेंज हो रही है, उसका जीवन बदल रहा है, उसे जिंदगी में कुछ नई प्रेरणा मिल रही है, तो फिर किसी को इस बात से क्या मतलब है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने उसके मन की बात कैसे जानी? रांडा बर्न की बेस्ट सेलर किताब सीक्रेट में एक बात बार बार दोहराई गई है और वो है फेथ यानी भरोसा। किताब में बार बार कहा गया है कि जो आप चाहते हैं उस पर भरोसा रखिए, विजुलाइज करें कि वो आपको मिल गया है, ऐसा मानकर मेहनत कीजिए और एक दिन वो आपको मिल भी जाएगा। ये बात तब भी लागू होती है जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। हमें भरोसा होता है कि डॉक्टर के पास आ गए हैं तो ये मुझे ठीक ही कर देंगे। और जब आप किसी धार्मिक व्यक्ति से मिलते हैं तब भी यही भरोसा सबसे ऊपर होता है। ये जो पर्चा है, हमने उनको कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने सब कुछ खुद ही लिखा है। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपके हस्बैंड का काम पूरा होगा ही। विश्वास है आपको? विश्वास है, डेफिनेट। अगर धीरेन्द्र शास्त्री किसी के मन की बात जानकर उसे पहले लिख लेते और फिर उस शख्स को दिखाते हैं कि देखो मैंने पहले ही लिख लिया था, तो ऐसा करके वो उस इंसान का भरोसा ही तो जीतते हैं और वो इंसान भी उन पर भरोसा करता है। और इसी भरोसे को रखकर जब वो उनके बताए गए उपायों पर अमल करता है तब उसे रिजल्ट भी मिलता है। और रिजल्ट मिलता है, लोगों को मिल भी रहा है, तभी तो हर दिन उनको मानने वालों की तादाद लाखों में बढ़ती जा रही है। वरना तो मोहल्ले में एक परचून की दुकान भी ठीक से अगर सामान न देना तो एक आध बार के बाद तो लोग भी वहां जाना बंद कर देते हैं। यहां तो हम फिर भी एक चमत्कारिक शख्स की बात करें। सच कहूं तो असल मुद्दा यह है ही नहीं, इस बात से कोई लेना देना ही नहीं कि धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य पुरुष हैं या कौन में। दिक्कत है उनकी पॉपुलैरिटी, दिक्कत है कि सनातन धर्म की बात करने वाला इतनी तेजी से ऊपर उठ गया। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस देश और देश के बाहर एक ऐसी लॉबी है जो हर उस आदमी को बदनाम करना चाहती है जो सनातन की बात करता है। ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि अगर हिंदू धर्मगुरु कथावाचक को बदनाम करोगे, उनकी क्रेडिबिलिटी को खराब करोगे, तो हिंदू धर्म अपने आप ही बदनाम हो जाएगा। वरना क्या जादू टोने के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने वालों की कमी है? और किस धर्म से ऐसे फ्रॉड लोग नहीं हैं? अब ऐसे टोटकों से शर्तिया इलाज करने वालों के अखबारों में विज्ञापन पढ़ लीजिएगा, उन अखबारों में उन लोगों के नाम भी पढ़ लीजिएगा और फिर पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन ये काम कर रहा है। मगर जैसा कि मैंने कहा, इन लोगों को किसी धार्मिक आदमी के फ्रॉड और ढोंगी होने से कोई लेना देना नहीं है। इनकी तकलीफ तो बस सनातन की बात करने वाले एक यंग हिंदू की जबरदस्त पॉपुलैरिटी से है, ऐसी लोकप्रियता जो हाल के सालों में किसी को नहीं। देखिए, ये भी सच है कि बहुत सारे लोग धर्म की आड़ में गलत काम करते पाए गए हैं। इनमें बाकी धर्मों के साथ कई हिंदू बाबा भी रहे हैं,
मगर ये भी सच है कि अगर ऐसे दो चार पांच छह लोग हुए भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि जो भी धर्मगुरु या कथावाचक धर्म प्रचार कर रहा है वो फ्रॉड ही है। जनता की खुद की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है और ऐसे लोगों से जुड़े उनके खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, निजी अनुभव, और लोगों के लिए हर बात से ऊपर होता है उनका निजी अनुभव, उनका खुद का एक्सपीरियंस। मगर जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं। उन लोगों के लिए हर हिंदू संत फ्रॉड है, उनके लिए धीरेन्द्र शास्त्री भी धोखेबाज है, उनके लिए गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी भी नकली हैं, और सदगुरु के खिलाफ एजेंडा चलाना तो इन लोगों का फेवरेट टाइम पास। इसलिए ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए। तो देखिए, भरोसा तो अगले पल का नहीं होता, गारंटी तो हम अपनी खुद की नहीं ले सकते कि कल क्या करने वाले, लेकिन ये भी सच है कि दुनिया तो चलती भरोसे पर ही है। तो आप भी भरोसा रखिए, इंसान को नहीं उसकी बात को पकड़िए। बात अगर धर्म की है, समझ में आ रही है, तो फौरन लाइफ में इंप्लीमेंट करिए, उसे उतार लीजिए जीवन में। बात कहने वाला अगर कल को गलत भी साबित हो जाए, लेकिन आपने उसकी कही बात अगर पकड़ ली और उससे कुछ सीख लिया, तो जो एक्सपीरियंस होगा ना वो आपसे कोई नहीं छीन पाएगा, और यही सबसे बड़ी बात है, यही इकलौती बात है। फिलहाल आज के पंतंत्र में इतना ही। ये वीडियो, ये बात अगर आपको सही लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से और अपने जानने वालों से जरूर शेयर करिए, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं यहाँ पर एक और जबरदस्त पंतंत्र के एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद। बागेश्वर बाबा दरबार में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। बिहार में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है, बाबा फुल फॉर्म में है।